रविवार को नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने 144 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसके बाद चर्चा है कि कांग्रेस ने अपने लिस्ट में ज्योतिष अंकगणित का विशेष ध्यान रखा है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस की पहली लिस्ट में अंक ज्योतिष हावी रहा है। दरअसल नवरात्र के पहले दिन सुबह 9:09 पर अपने 96 मौजूदा विधायकों में से 69 को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। इस लिस्ट में कमलनाथ का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में 65 नाम ऐसे थे जिनकी उम्र 50 से कम है। इसके अलावा इस लिस्ट में 19 महिलाएं, 6 अल्पसंख्यक, 39 ओबीसी, 30 एसटी और 22 एससी उम्मीदवार हैं। अंकशास्त्रियों ने बताया कि कांग्रेस की 144 उम्मीदवारों की सूची का अंक योग 9 है, जो कि नवरात्रि और सूची के ऐलान के समय से संबंधित है। वहीं इस लिस्ट में कांग्रेस ने 2 दिग्गजों के टिकट काट दिए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। इस बार गोटेगांव से पार्टी ने शेखर चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की इस लिस्ट में इसके अलावा 4 और नाम है जिनके टिकट कटे हैं। इनमें गुन्नौर से शिवदयाल बागरी, कटंगी से टामलाल सहारे, घोड़ाडोंगरी से ब्रह्मा भलावी और बड़वाह से सचिन बिरला के नाम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।